सो हे गाइस, क्या चल रहा है भाई। तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं GTA 5, और आज हम लोग फिर से एक बार आ चुके हैं यार माइकल द प्रेसिडेंट के साथ। तो आप लोग को याद होगा लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग यार दुबई किंग के आइलैंड पे आए थे, और यहाँ पे आके पता लगा गाइस यहाँ पे एक रेस होने वाली है जिस रेस का प्राइस $1 million में। और भाई दुबई किंग ने ना लॉस सांटोस के बाहर से भी काफी सारे रेसर्स को इन्वाइट किया है। ये अभी तक की लॉस सांटोस की सबसे बड़ी रेस होगी, और हो सकता है गाइस इसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट करें। तो भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर है तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए। फटाफट से वीडियो को लाइक करके एक बढ़िया सा कमेंट गाइस जरूर कर देना। बाकी गाइस तुम लोग अभी पीछे देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारी तुम लोग को गाड़ियां नजर आ रही होंगी, काफी सारे रेसर्स नजर आ रहे हैं। ये सारे के सारे ना दुबई किंग के हैं, दुबई किंग ने तैयार कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि यार देखो रेस वो ऑर्गेनाइज कर रहा है तो वो खुद रेस को जीतना चाहता है, और उसने लॉस सांटोस के बाहर से कम 5 से 6 टीम को इन्वाइट किया है, एंड वो चाहता है कि यार हमारी टीम भी ना इसमें पार्टिसिपेट करे। पर मुझे नहीं पता यार ये करना सही रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि लॉस सांटोस में अभी भी ना बहुत ज्यादा खतरा है। देखो अभी तो सिर्फ साइको किलर का था, पीटर का बेटा है, पीटर है भाई जो अभी भी जिंदा है, और माइकल की फैमिली में देखो अभी ट्रेसी नहीं मिली है, तो माइकल की लाइफ तो बहुत ज्यादा खराब चल रही है। आप लोग कमेंट करके बताना है कि हमें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी मैं एक काम करता हूँ यार, देखो अभी यहाँ से निकलता हूँ, दुबई किंग ना थोड़ी देर पहले यहीं पर था बट अभी वह ना अपनी नई गाड़ियाँ लेने गया है, क्योंकि रेस में वो चाहता है कि उसकी नई गाड़ियाँ हैं। तो मैं एक काम करता हूँ फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मेरे पास लेस्टर का कॉल आया था, एंड लेस्टर बता रहा है कि सन्नी को कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली है साइको किलर को लेकर, तो इसीलिए मैंने दुबई किंग को बोल दिया है कि यार मेरे को अभी निकलना पड़ेगा। एक काम करते हैं गाइस फटाफट से निकलते हैं, और ये देखो भाई दुबई किंग के जो रेसर्स हैं ना भाई शांत बैठने वाले हैं ही नहीं। ये बंदे यहाँ पर भाई अपनी गाड़ियों को दौड़ा रहे हैं, गाड़ियों को टेस्ट कर रहे हैं, और एक मिनट भाई कहाँ ले जा रहा है ये बंदा। भाई इसके पास ना एक रेसिंग कार है, पर अपनी जो रोल्स रॉयस है ना गाइस उसकी स्पीड में तुम लोग को दिखाता हूँ। यहाँ देखो वो देख रहे हो, पर यार इस कार को ना रेस में देखो हम लोग भाई लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि रेस के अंदर रेसिंग वाली गाड़ियाँ चाहिए। अगर हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं ना अलग से अपनी गाड़ियाँ मॉडिफाई करवा लूँगा, एंड देखते हैं यार हम लोग अपनी टीम में से किसको यहाँ पर भेजते हैं। बाकी अभी फटाफट से गाड़ी को भगाना है और जल्दी से चलना है गाइस मेरे को लेसर के पास। तो अभी मैं यार अपनी लिमोजिन को भगाते यार दुबई किंग के आइलैंड के बाहर आ चुका हूँ। भाई ये गाड़ी ना हवा से बातें करती है गाइस, बहुत ज़्यादा तेज भागती है। अगर ऐसी गाड़ी को रेस में लेकर आ गए ना फिर तो भाई रेस जीतना अपने को पक्का ही है, फिर प्राइज अपने को ही मिलेगा। और तुम लोग यहाँ पे चेक करो भाई, दुबई किंग की सिक्योरिटी हमेशा यहाँ पे खड़ी रहती है, क्योंकि सिक्योरिटी वालों की ना इस साइड में एक घर ही है। और यहाँ पे ना अपनी गाड़ी थोड़ी सी स्लो जाती है, देखो 300-400 ही है, बट हाईवे पे जब मैंने दौड़ाई थी ना तब गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज भाग रही थी। थोड़ा आराम से यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह होती है यार, मैं उन्हें ना उड़ा दूँ। यहाँ देखो गाइस यहाँ पे भी सिक्योरिटी खड़ी हुई है, तो फटाफट से एक काम करते ना जल्दी से पहले मेरे को लेसर के पास चलना होगा, क्योंकि लेसर बता रहा है कि यार सन्नी को ना साइको किलर की इन्फॉर्मेशन वगैरह मिली थी, वो उनका पीछा करते करते गया था, कहीं उसे पता ना लग गया वो साइको किलर कहाँ है। अगर ऐसा हुआ ना भाई हमारा आधा काम तो हो ही जाएगा, क्योंकि उन्हें पकड़ना है यार। पहले हमें लग रहा था लॉस सांटोस में सिर्फ एक या दो साइको किलर हैं, पर गाइज अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे हैं, उनकी पूरी की पूरी गैंग है, इसीलिए वो इतनी खतरनाक तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट वाले एपिसोड में मैंने उन लोग का पीछा किया था और वो लोग चकमा देकर भाग गए, पर अब ऐसा नहीं होगा भाई, अब उन पर अच्छे से नज़र रखनी है। तो अभी मैं यार अपने लिमोजिन को भगाते गाइज सीधे अपने फार्म हाउस की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लेस्टर का कॉल आया था, वो व्हाइट हाउस से डायरेक्टली वहीं पे आ जाएगा, और सन्नी भी यहीं पे ही है। मुझे जाकर उससे बस ये पता करना है कि आखिरकार कौन सी गैंग साइको किलर की हेल्प करनी है, एक बार पता लग जाए फिर सीधे हम लोग गैंग के बॉस के पास जाएंगे। और भाई मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ जब तक वो बता ना दें कि आखिरकार साइको किलर है कहाँ पर। तो फटाफट से गाड़ी को भगाते हैं, और यार इस वाले लिमोजिन को ना रोड पे भगाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑफ रोडिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको लेकर चलते हैं, अपना फार्म हाउस ना गाइस ज़्यादा दूर पे नहीं है, तो फटाफट से चलते हैं और चल के सन्नी से बातचीत करते हैं। और एक मिनट भाई ये यहाँ पे क्या चल रहा है, एक मिनट यार किसी ने अटैक कर दिया है, एक सेकेंड पहले मुझे यहाँ से रास्ते से गाड़ियाँ हट। भाई ये तो कोई गैंग है ना, अभी ये बेलास गैंग वाले और साथ में गाइस एक और गैंग है यार। एक तो देख रहे हो लिमोजिन में यही दिक्कत है भाई, ये पलट गया, मेरे को जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा। जल्दी 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 गाइस मैं गाड़ी से बाहर तो आ चुका हूँ, अभी ये 2-3 गैंग एक साथ यहाँ पे क्या कर रही है भाई। एक मिनट गाइस यहाँ पे तो कमांडोज भी नहीं होंगे, क्योंकि फार्म हाउस में हम लोग आजकल ज़्यादा आते नहीं हैं, तो हम लोगों ने कमांडोज को हटा दिया था।
यहाँ पे सिर्फ सनी शायद अकेला है। एक मिनट, इसकी तो ऐसी की तैसी, भाई मेरे को देखना पड़ेगा वो ठीक तो है ना। यार एक मिनट, ये गैंग यहाँ पर कर क्या रही है, वो भी एक साथ इतनी सारी। बेलास गैंग इनके साथ मिलकर काम कर रही है, और इन लोगों ने हमारे फार्म हाउस पे अटैक क्यों कर दिया गाइस, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है, पहले इनसे निपटा जाए उसके बाद देखा जाएगा। इनके लिए तो स्पेशल बुलेट यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ये तो नॉर्मल से गैंग वाले हैं, इनके अंदर कुछ ज़्यादा हिम्मत आ गई है। यहाँ देख रहे हो गाइस, सनी यहाँ पर मार रहा है, निकलो यहाँ से। पहले तो मैं इनका गेम बचाता हूँ। पहले ना अपने फार्म हाउस पे यहाँ पर कमांडोज थे, पर मैंने उन्हें हटा दिया क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कम आना जाना रहता है। पर अभी मुझे लगता है कि यार कमांडोज को ना गाइस यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। निकल यहाँ से, पहले तो एक एक बंदे को मैं ख़त्म करने वाला हूँ। और वो देखो बेलास गैंग वालों के अंदर कुछ ज़्यादा हिम्मत आ रही है, बहुत टाइम से गाइस इन्हें कुछ करा नहीं है ना, इसीलिए अभी मैं ट्रेवर को फ़ोन करके बुलाऊंगा और सीधे बेलास गैंग के बेस पे भेजने वाला हूँ। जितने भी बंदे मिले सबको ख़त्म करना है। एक मिनट सन्निया, चल क्या रहा है भाई, ये गैंग वाले यहाँ पर क्यों अटैक कर रहे थे? अरे यार तुम्हें लेस्टर ने शायद बताया होगा ना, मैं एक लोकेशन पर गया था। हाँ वो बता रहा था कि तुझे साइको किलर का कुछ बेस वगैरह पता लग गया है। हाँ हाँ, तो मैं वहीं से जब आ रहा था शायद इन लोगों ने ना मेरा पीछा किया था, क्योंकि वहाँ पे एक साइको किलर था और ये गैंग वाले खड़े हुए थे उधर। अबे मुझे भी यही लग रहा है भाई, तेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। हाँ तभी तो। और ठीक तो है ना तू? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम एकदम सही टाइम पर आ गए, इन लोगों ने पता चारों तरफ से घेर लिया था मुझे। वही तो, और तुझे पता है हमने कुछ दिन पहले यहाँ से कमांडोज हटाए क्योंकि अब यहाँ बहुत कम आना जाना रहता है। हाँ वही तो, मैंने यहाँ देखा था कमांडोज नहीं इधर, मैं कुछ टाइम पहले भी जब आया था तो। चल कोई दिक्कत नहीं, एक काम कर तू आसपास आके चेक कर ले कोई और तो नहीं है। बाकी मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से ड्राइवर को कॉल करता हूँ, ड्राइवर को गाइस यहाँ बुलाना पड़ेगा। ड्राइवर को मैं फुल छूट देने वाला हूँ बेलास गैंग के एरिया में, चाहे वहाँ पे जितने भी बंदे मिलते हैं सबको ख़त्म करके उनके बॉस को मेरे पास लेकर आए। ये लोग पक्का गाइस साइको किलर के साथ मिलकर कुछ तो प्लान कर रहे हैं, तभी ये लोग यहाँ पर सन्नी को मारने हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इन्हें पता ही नहीं होगा ये फार्म हाउस हमारा है, अगर पता होता ना तो ये लोग कभी यहाँ पर आते ही नहीं। तो अभी मैंने ड्राइवर को कॉल कर दिया, गाइस ड्राइवर ना पास में ही है, कुछ ही देर में ड्राइवर यहाँ पे आ जाएगा। ड्राइवर किसी वेपन वाले बंदे से बातचीत कर रहा है। बाकी गाइस लेस्टर को मैंने मना कर दिया है कि भाई तू यहाँ पर मत आ, यहाँ पर बहुत तगड़ा पंगा हो गया है। तो लेस्टर तो गाइस वापस लॉस सैंटोस में चला गया है, बाकी जल्दी से एक बार ड्राइवर आ जाए उसके बाद देखते हैं कि वो गैंग वालों के साथ क्या करता है। बाकी सन्नी भी पीछे के साइड गया है, एक बंदा ना गाइस भागते हुए गैंग वाला जा रहा था वो उसका पीछा कर रहा है, और वो देखो ट्रेवर यहाँ पर आ चुके हैं। और भाई आते ही इसने उसे गैंग वालों की गाड़ी उड़ा दी। ट्रेवर आसपास देख भाई, क्या तबाही मच रखी है। हाँ ये बेलास गैंग वाले हैं, तूने एकदम सही पहचाना, इनकी इतनी हिम्मत हो गई, इन लोगों ने हमारे फार्म हाउस पे अटैक कर दिया। वो तो अच्छा है कि मैं सही टाइम पे आ गया। हाँ मैं भाई तेरे को फुल छूट दे रहा हूँ, अभी मैं तेरे को रोक नहीं रहा हूँ। तो एक काम कर, सनी ना पीछे के साइड है उसको लेकर आ और उसके साथ जा और जाके बेलास गैंग को ख़त्म कर। भाई इनका किस्सा ख़त्म करना पड़ेगा गाइस, तभी मैं सोचूं जो साइको किलर्स हैं वो मिल क्यों नहीं रहे, गैंग वाले उनकी मदद कर रहे हैं पैसों के लिए। पता तो लगाना पड़ेगा कि कौन कौन सी गैंग मिली हुई है, तभी हम लोग साइको किलर तक पहुंच पाएंगे। और तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो गाइस अपनी लेमोजिन भी कैसी हो रखी है यार, इसको सीधा करना पड़ेगा या फिर मेरे को मैकेनिक वगैरह को बुलाना होगा। भाई ये गाड़ी ना बस रोड पे भगाने के लिए सही है, ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे देती है। तो अभी मैंने मैकेनिक को तो कॉल कर दिया है क्योंकि गाड़ी की कंडीशन मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रही। और वो देखो ड्राइवर वहाँ से भाई सीटी बजा रहा है। अब यहाँ देख लिया क्या हो गया? ओके अभी सनी क्या बोल रहा है ये? ये देखो यहाँ पे एक बंदे को पकड़ ले, यहाँ से ना नजर रख रहा था दूर से। अबे ये भी तो बेलास गैंग का ही कोई बंदा है। हाँ हाँ हाँ, ये ना काफ़ी दूर से नजर रख रहा था, मैं इसको पकड़ के इधर तक ले आया। चल ये तो तूने एकदम सही काम किया, एक काम कर ट्रेवर को साथ में लेकर जा, ट्रेवर बेलास गैंग के एरिया में जा, सबको खत्म करना, और जो उनका लीडर है ना वो मुझे जिंदा चाहिए, उसे पकड़ के मेरे पास लेकर आओ। फटाफट से तुम लोग निकलो, इससे मैं निपट लूंगा। इसकी तो ऐसी की तैसी, गाइस मन तो कर रहा है कि इसको मैं यहीं पे शूट कर दूं, पर पहले मेरे को ये बता कि साइको किलर कहाँ पे है। झूठ मत बोलना, मेरे को पता है, जल्दी से अपना मुंह खोल दे भाई। अगर इसने सच नहीं बताया ना गाइस, मैं इसको शॉटगन मार के यहीं खत्म करने वाला हूं। वो दोनों तो निकल चुके हैं कि डिफेंडर में ही निकल गए वो लोग। चलो सही है यार, मेरी गाड़ी तो यहाँ पे ख़राब हो चुकी है, मैकेनिक को मैंने बुला लिया है, मैंने यहाँ से सनी की कार लेकर निकल जाऊँगा। पर पहले मैं इससे पता कर लूँ तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई प्रेसिडेंट के फार्म हाउस पे अटैक करने की, जल्दी से मेरे को बता दे, नहीं तो मैं तेरे को यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। फटाफट से अपना मुंह खोल। तो भी गाइस मैं इससे काफ़ी देर से पूछताछ कर रहा हूँ और इस बंदे ने मेरे को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बता दिया। गाइस ये बंदा बोल रहा है कि यार ये ना अकेले मिले हुए नहीं है, लॉस सैंटोस की काफ़ी सारी गैंग मिली हुई है। फटाफट से मेरे को ना गैंग का एक एक करके जल्दी से नाम बता दे। ओके एक मिनट गाइस, भाई किसी ने गोली चलाई थी। एक मिनट भाई, कोई गैंग वाला बंदा है ना ये भी? यार वो ना गैंग के नाम बताने ही वाला था। एक सेकंड,
एक मिनट यार, मेरी गाड़ी तो कहीं यहाँ पे पलटी हुई है, देखो सन्नी की कार लेकर जानी पड़ेगी। एक मिनट बेटा, तू भागेगा कहाँ? वहाँ देखो गाइस, उसने अपनी गैंग वाले को मार दिया या फिर किसी और गैंग वाले को मारा है। एक मिनट यार, उसको पकड़ना पड़ेगा। ये गाइस किसी और गैंग का बंदा लग रहा है, यहाँ देख रहे हो, वो मेरे को इन्फॉर्मेशन देने ही वाला था। भाग बेटा भाग, कहाँ तक भागेगा? इसे पकड़ना तो पड़ेगा ही, पहले इसे पकड़ते हैं, इससे पूछताछ करते हैं, उसके बाद मैं इसे ख़त्म करूँगा। भाई ये लोग साइको किलर के साथ मिलकर कुछ तगड़ा ही प्लान नहीं बना रहे। तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, गैंग वाला बंदा ना सारी गैंग के नाम बताने वाला था, वो अपने गैंग लीडर्स के नाम बता रहा था। इतनी देर में एक और बंदा आ गया और भाई उसे मार दिया। एक मिनट, इसे पकड़ना तो पड़ेगा ही, मैसेज छोड़ नहीं सकता। यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो यार, वो बंदा उस साइड में निकल गया। एक मिनट, ये जाएगा कहाँ? चकमा देने की कोशिश तो कर रहा है पर ये बचने वाला नहीं है। जल्दी इसे जल्दी मेरे को भागना पड़ेगा, गोलियां चला रहा है किसी और के ऊपर। एक मिनट, वो देखो, वो रही उसकी गाड़ी। लिमोजिन की जगह अगर मेरी कोई सुपर कार होती ना तो अब तक मैं इसको पकड़ ही लेता। वो देख रहे हो कितनी तेजी से भाग रहा है, इसकी दो। एक मिनट, कहाँ तक भागे? ये बंदा ना मेरे हाथ से बचने वाला नहीं है, इसको तो पक्का मैं ख़त्म ही कर दूंगा। भागने की फुल कोशिश कर रहा है पर इसे कैसे भी करके पकड़ के रहना है। भगा बेटा, गाड़ी कहाँ तक भगाएगा? एक मिनट, इसको पहले इसे यहीं पकड़ते हैं। यहाँ तुम लोग देख रहे हो, इसी गाड़ी को मैंने पूरा तोड़ फोड़ दिया है, ये ज़्यादा भाग नहीं पाएगा। एक मिनट, गोलियाँ चलाऊँ क्या? वैसे मैं स्टिकी बॉम्ब, मेरे पास स्टिकी बॉम्ब भी है ना, स्टिकी बॉम्ब भी गाइस मैं लगा सकता हूँ, पर पहले मुझे ना इसकी गाड़ी में आग लगानी पड़ेगी। गाड़ी में आग लग गई, फिर इसे गाड़ी से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और यार, एक तो ये सन्नी की जो गाड़ी है ना, इसके भी मुझे लगता है भाई हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। एक मिनट, ये रहा देखो, उतर के मेरे पे गोलियाँ चला रहा। एक सेकेंड, निकल यहाँ से, तेरी तो ऐसे किधर गया भाई, ख़त्म। एक मिनट भाई, बहुत ज़्यादा तूने कोशिश करी थी भागने की पर तू बच नहीं पाएगा। यार मुझे ना ये बंदा गाइस जिंदा चाहिए था, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये बंदा मेरे को ख़त्म कर देता। तुम लोग यहाँ देख रहे हो ना, ये किसी और गैंग का बंदा लग रहा है, मतलब चार पांच गैंग मिलकर साइको किलर्स की भाई मदद कर रहे हैं, लॉस सैंटोस में छुपा रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है जो माइकल से नफरत करते हैं वो ये सारी चीज़ें कर रहे हो। मेरे को यार अभी सन्नी की गाड़ी को लेकर जाना पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा टूट फूट गई है, गाड़ी की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुझे ऐसा लगता है यार, इस कार को ना मुझे रिपेयर कराने ले जाना ही पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ ना, फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ, सीधे ना अपने कार शोरूम की तरफ चलते हैं। तुम लोग देख रहे हो पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो फटाफट से काम करते हैं, गाड़ी को भगाते हैं जल्दी से ना यार, अपने कार शोरूम पे चलते हैं, वहीं के मैकेनिक को मैं दे दूंगा, क्योंकि सन्नी की गाड़ी है यार, रिपेयर हो जाएगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी मैं यार सन्नी की कार को लेकर सिटी में आ चुका हूँ और मैं अभी सीधे यार इसे अपने कार शोरूम पे लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लिमोजिन को वहीं पे भेज दिया है। लिमोजिन की हालत ख़राब है, सीमियों से बात हुई थी, बोल रहा है कि यार सर्विस वगैरह होनी होगी। बाकी जितनी भी गाड़ियाँ मेरी सर्विस के लिए आई थी ना, सारी की सारी अभी घर पर जा चुकी है, और ये गाड़ी भी मेरे को वहीं लगानी पड़ेगी क्योंकि इसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो रही है यार। इसकी भी सर्विसिंग वगैरह करानी है, मुझे नहीं पता सन्नी से कब से नहीं कराई। और बुलेट प्रूफ गाड़ी के भाई ग्लास कब से टूटने लगे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग देख रहे हो पीछे वाला पूरा ग्लास टूटा हुआ है एंड साइड में भी, इसका भी मेरे को पता तो करवाना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, पीछे गराज की साइड लेकर जाता हूँ, सिक्योरिटी भी 24 घंटे रहती है। और गाइस यहाँ देखो, यहाँ पे सिमियन भाई टो ट्रक वाले से बातचीत कर रहा है। मैं काम करता हूँ ना, इसको गराज में लगवा देता हूँ। मैं सिमियन को बोल दूंगा कि जल्दी से जल्दी ना सन्नी की गाड़ी को रिपेयर करवाए, और लिमोजिन को ना सर्विस वगैरह करा के ना मैं घर पर ही लगवा दूंगा। फटाफट से इससे बातचीत करते हैं। ओके, तूने टो ट्रक वाले से बात कर ली ना? ठीक है, तो गाड़ी में ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? ओके, तो सीमन बोल रहा है यार ये तो मैकेनिक ही बताएगा कि क्या दिक्कत हुई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी तू थोड़ा परेशान लग रहा है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई है मेरे को बता। भाई क्या बोल रहा है, लॉस सैंटोस में नया कार शोरूम ओपन हुआ है, किसने ओपन किया भाई? ओके, तो सीमन बोल रहा है कि यार एक VIP ने ना लॉस सैंटोस में अपना कार शोरूम ओपन किया है, एंड कुछ टाइम पहले वो हमारे कार शोरूम पे भी आया था, गाड़ियों वगैरह के रेट पता कर रहा था। तो सीमन उनको लगा कि शायद कस्टमर है यार, वो VIP है, पहले भी आ चुका है, एंड अभी उसने अपना खुद का कार शोरूम ओपन कर लिया है। ठीक है, तो सीमन कहाँ पे है, एक बार मैं जाकर देखता हूँ। तू टेंशन ना ले यार, उसके कार शोरूम ओपन करने से अपने को कोई नुकसान नहीं होने वाला। ओके, सीमन बोल रहा है कि नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लॉस सैंटोस में देखो अगर कोई और कार शोरूम ओपन करता है और गाड़ियों के प्राइस अगर कम करके सेल करेगा तो हो सकता है कि कस्टमर हमारे कार शोरूम पे आना कम कर दें। भाई हो सकता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, देख मैं जाकर एक बार देखता हूँ कार शोरूम को, और अगर हाँ वो ज़्यादा प्राइस कम करता है ना, तू जाकर बातचीत करना कि भाई ऐसे बिजनेस थोड़ी होता है। बाकी यार मुझे ना एक गाड़ी चाहिए, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, तो तेरे पास गाड़ी वगैरह है तो मेरे को कोई दे दे। ओके, वो वाली गाड़ी ले जाऊँ मैं? ठीक है चल, मैं ले जाता हूँ, तू गाड़ियों को रिपेयर करवा,
जल्दी से जल्दी ठीक करवाओ इनमें। तो गाइस सीमियन बोल रहा है कि लॉस सैंटोस में एक कार शोरूम ओपन हुआ है। यार कुछ दिनों पहले मैं सोच रहा था कि लॉस सैंटोस में कुछ और कार शोरूम खोलते हैं, क्योंकि कार शोरूम से बहुत फायदा हो रहा है। अब किसी और ने खोल दिया, चल के देखना पड़ेगा भाई, ये चीज़ तो गड़बड़ है। एंड ये एक डॉज वाइपर है भाई, क्या बात है, ये गाड़ी गाइस बहुत ज़्यादा प्यारी है। एक काम करते हैं, फिलहाल इसी को लेकर चलते हैं, बहुत सही। चल के मेरे को देखना पड़ेगा भाई कौन सा कार शोरूम है और कहाँ पे ओपन हुआ है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। सीमियन को देखो लॉस सैंटोस में जो जो चीज़ें होती हैं ना सबके बारे में पता रहता है। तो फटाफट से गाड़ी को भगाते हैं, जल्दी से चल के गाइस कार शोरूम को देखते हैं। तो अभी मैं यार अपनी कार को भगाते भगाते गाइस उस लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ जो लोकेशन मेरे को सीमियन ने दी थी। सीमियन बता रहा है कि यार यहाँ पर ना कार शोरूम काफ़ी टाइम से रेडी हो रहा था। पहले हम लोगों ने सोचा था कि यार हम लोग ही उसे खरीद लेंगे, पर किसी और ने खरीद लिया। तुम लोग यहाँ पे चेक करो गाइस, लग्जरी ऑटो करके इसका नेम है। ओके तो फटाफट से मैं गाड़ी को साइड में लगाता हूँ, वैसे ये लोग मेरे को पहचान तो लेंगे। देखो ओके तो यहाँ पे पार्किंग है, और यार भीड़ देख रहे हो तुम लोग, आज ही इसकी ओपनिंग हुई है गाइस, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। ओके तो मैं यार अंदर जाऊँ या ना जाऊँ, वैसे मैं चल के देखने वाला हूँ यार, यहाँ का ओनर भी तो हमारे कार शोरूम में गया था ना, और जाकर भाई वो अच्छे से गाड़ियों के रेट वगैरह पता करके आया था। एक सेकेंड गाइस, ये कौन है? ओके तो गाइस ये बोल रही है सर वेलकम है आपका, भाई इसने मेरे को पहचान लिया है। ओके तो इसे लग रहा होगा ऐसा तो नहीं कि ओपनिंग में मैं यहाँ पर आया हूँ, तो भाई ये आपकी मैनेजर है। ओके तो बोल रही है कि सर आप आए हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है मैं बस गाड़ी वगैरह देखने आया, मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना यार कार शोरूम को एक बार देख लिया जाए। ओके तो बोल रही है कि सर आपका ही कार शोरूम है आप आराम से देखो। मैं काम करता हूँ गाइस यहाँ पर देखता हूँ, ये देखो गाड़ियाँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं, बट देखो अपने पास जो गाड़ियाँ हैं ना वो किसी के पास लॉस सैंटोस में होंगी नहीं, क्योंकि हम लोग गाड़ियों को ना लॉस सैंटोस से नहीं खरीदते, लॉस सैंटोस के बाहर से मंगवाते हैं। और तुम लोग देख रहे हो भाई कार शोरूम बहुत ज़्यादा अंदर से लग्जरी लग रहा है, कुछ भी बोलो, जैसे लग्जरी ऑटो होता है ना बिल्कुल वैसा ही। ओके तो ये बोल रहे हैं कि सर एक काम करते हो ऑफिस में चल के आराम से बात करते हैं, यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। वैसे मुझे बात तो नहीं करनी थी पर एक बार ऑफिस भी चल के देख ही लेते हैं। ओके भाई ऑफिस देखो तुम, क्या बढ़िया बना रखा है इन लोगों ने, क्या बात है गाइज, कार शोरूम के इंटीरियर पे तो काफ़ी खर्चा कर दिया है इन लोगों ने भाई, कार शोरूम तो बढ़िया है। ओके तो मैडम मेरे को भी जाना पड़ेगा, मैं बस यहीं से गुजर रहा था, मैं बाद में आता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो मेरे को अभी अर्जेंट जाना पड़ेगा। बोल रही है कि सर आराम से बैठो थोड़ी देर में जाना, पर नहीं यार मैं बैठ नहीं सकता यार, मैं तो बस यहाँ पर देखने आया था भाई। गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा सही हैं, इनका स्टाफ भी सही लग रहा है यार, जी वैगन वगैरह लगा रखे हैं। देखो इनके पास अभी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं नहीं, पर जैसे ऐसे डिमांड आएगी लोग गाड़ियाँ मंगवा सकते हैं। गाइस कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि इनका कार शोरूम काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। देखो हमारा कार शोरूम भी काफ़ी लग्जरी है, पर इन लोगों ने सिटी के बीचों बीच बनवा रखा है, तो कुछ ना कुछ तो इनका सोचना ही पड़ेगा, ये तो हमारी सेल काफ़ी कम हो जाएगी। और एक मिनट गाइस, मेरे पास ये लेस्टर का कॉल क्यों आ रहा है, एक काम करता हूँ फटाफट से इससे बात करता हूँ। तो अभी मेरी लेस्टर से यार बात हो गया गाइस, लेस्टर ने मेरे को मिलने के लिए बुलाया, मेरे को फटाफट से जाना पड़ेगा। लेस्टर बोल रहा है कि यार एक गैंग लीडर उससे मिलने आया था और वो ना हमारे काम की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो माइकल एक काम करे फटाफट से लोकेशन पे पहुंचे, तो मेरे को जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा गाइस। गैंग लीडर तो यार हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे सकते हैं, और मैंने वैसे सन्नी और ट्रेवर को भी भेजा है भाई बेलास गैंग के एरिया में, कि जो भी गैंग सामने आया ना भाई सबको ख़त्म करो और लीडर को पकड़ के मेरे पास लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी अपना काम अच्छे से कर लेंगे। मैं एक काम करता हूँ लेसर के पास चलता हूँ और चल के पहले उससे इन्फॉर्मेशन ली जाए कि वो गैंग लीडर क्या बताना चाह रहा है। तो अभी मैं लेस्टर के पास गाइस पहुंचने वाला हूँ। लेस्टर ने मेरे को गोल्फ क्लब में बुलाया, बोल रहा है कि यार वो जगह एकदम सही है मीटिंग करने के लिए, क्योंकि गैंग का जो लीडर है ना उसने हमारी पहले भी हेल्प की है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, और वो इस बार फिर आया है जैसे उसे पता लगा कि प्रेसिडेंट मुसीबत में है। देखो लॉस सैंटोस की सारी गैंग गाइस देखो यार बुरी नहीं है, कुछ गैंग वाले हमारी हेल्प भी करते हैं। तो एक काम करते हैं फटाफट से गाड़ी को साइड में लगाओ और तुम लोग यहाँ पे चेक करो, लेस्टर की कार मेरे को नज़र आ गई है, ये शायद किसी गैंग वाले की लग रही है ना, हाँ गैंग वाले की गाड़ी है। फटाफट से पीछे की साइड चलो, लेसर पीछे ही होगा। देखो गैंग वाले हमें सपोर्ट करते हैं तो हम लोग भी उनकी हेल्प करते हैं बिजनेस वगैरह करने में, जितने भी लोग क्राइम वगैरह करते हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। ओके तो वो देखो गाइस, वो रहा लेसर और गैंग वाला मेरे को नज़र आ गया, गोल्फ खेलने का नाटक कर रहा है, पर वो यहाँ पर हमारी मदद करने आया है कि फटाफट से इससे बात करते हैं। ओके तो लेसर इससे हुई तेरी बात भाई, यार तो एकदम सही टाइम पर आ गया। ओके तो लेस्टर बोल रहा है इसे ना साइको किलर के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता है। ठीक है भाई बताता जब मैं सुन रहा हूँ, जो भी तेरे को पता है।
ओके तो गाइस अभी मेरी इस गैंग बॉस से यार बात हो गया। ये मेरे को बताता है कि यार इसको नहीं बताता कि वो साइको किलर है, पर काफी टाइम पहले उसके बंदे यार इसके एरिया में आए थे बातचीत करने। पहले इसने उनकी डील सुनी, वो काफी ज्यादा पैसे ऑफर कर रहे थे। उनका बस ये काम था कि गैंग वालों को उन्हें छुपाना है, अपने एरिया में रखना है। एंड वो लोग बहुत सारे हैं, बोल रहे हैं लॉस सैंटोस में एक या दो नहीं है, करीब 100 से ज्यादा है जो अलग अलग गैंग के पास रह रहे हैं। उनका काम है लॉस सैंटोस में पब्लिक को मारना, माइकल का नाम खराब करना। वो सिर्फ और सिर्फ माइकल का नाम खराब करने आए हैं ताकि लॉस सैंटोस की जितनी भी पब्लिक है जो माइकल को सपोर्ट करती है वो माइकल को हेट करना चालू कर दे। यार ये तो कुछ अलग ही पता लगा है। इसका मतलब गाइस किसी ना किसी ने साइको किलर को लॉस सैंटोस में भेजा है, क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों से कभी पंगा नहीं लिया। वो लॉस सैंटोस के बाहर से हैं और वो लॉस सैंटोस में आकर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। इसका मतलब पक्का उन्हें किसी ने तो भेजा है। ठीक है ठीक है, तो गाइस इस बंदे ने अभी हमें एक लोकेशन बताई है, बोल रहा है कि यार इसको लगता है कि वो लोग वहाँ पे कोई मीटिंग वगैरह करते हैं। काफ़ी सारे गैंग वाले भी वहाँ जाते हैं, इसके बंदों से पता लगा है। तो माइकल अपनी फोर्स को ले जाए वहाँ पे, जाकर चेक करे वहाँ पे साइको किलर मिल सकते हैं। भाई थैंक यू सो मच यार ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बाकी ले सकते किसी जो भी मदद चाहिए होगी भाई इसको मदद कर, पुलिस से रिलेटेड इसके ऊपर जितने भी केस वगैरह हैं सब हटा दे और तू अपना काम ना लॉस सैंटोस में आराम से कर, तेरे को ना पुलिस रोकेगी ना हम लोग रोकने वाले हैं। बाकी लेसर तू बस इसे पता कर और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बाकी गाइस जो लोकेशन मेरे को मिली है मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा और मैं अकेले नहीं जाने वाला हूँ, मैं अपने साथ गाइस किसी ना किसी को तो लेकर जाऊँगा। गैंग वाला बंदा भी बोल रहा था कि यार वो साथ चलेगा, पर मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि हो सकता है कि यार इसे वहाँ कोई देखे तो इसके पीछे पड़ जाए और मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई उसे कुछ हो, क्योंकि वो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है, काफ़ी काम का बंदा है। फटाफट से काम करते हैं, गाड़ी को भगाते हैं और जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। भाई चल के देखना तो पड़ेगा ही कि आखिरकार साइको किलर वहाँ पे कर क्या रहे हैं। इतना तो पता लग गया कि लॉस सैंटोस में वो लोग यहाँ पर पब्लिक को मारने नहीं आए हैं, माइकल का नाम खराब करने आए हैं। किसने भेजा हो सकता है यार उन्हें? पीटर तो गाइस ये काम करेगा नहीं, क्योंकि पीटर अभी छुपकर बैठा हुआ है। अगर उसे हमला करना होता, अटैक करना होता तो वो सामने से आकर कर देता, और पीटर का बेटा भी ऐसा नहीं करेगा। और कौन हमारे दुश्मन है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भाई लॉस सैंटोस में एक तो हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं। तो अभी गाइस मैं अपनी कार को लेकर यार उस लोकेशन पे आ चुका हूँ जो उस गैंग के बॉस ने लोकेशन दी थी। एंड गाइस ये वाला एरिया तो तुम लोग को याद ही है, यहाँ पे कुछ होना हो भाई गैंग वाले ज़रूर होते हैं, चारों तरफ गैंग वाले होंगे। पर मुझे आराम से जाकर बस पहले चेक करना है, उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ी लगती है तो मैं सीधे अपने टीम को कमांडोज को कॉल करने वाला हूँ। ओके तो फटाफट से थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पे जो मीट फैक्ट्री है ना उसके आसपास की लोकेशन है। तो गाइस मीट फैक्ट्री तो अभी शायद बंद पड़ी है। एक मिनट, ये ट्रेवर है ना, अबे ये यहाँ क्या कर रहा है? एक मिनट इससे बात करनी पड़ेगी। हेलो अबे ट्रेवर, मैंने तुझे बेलास गैंग के एरिया में भेजा था, तू यहाँ क्या कर रहा है? ओके तो ड्राइवर बोल रहा है कि मैं और सन्नी यार अलग अलग गए थे बेलास गैंग के एरिया में, हम लोगों ने काफ़ी सारे बंदों को मारा, वहाँ पे एक बंदे को पकड़ा था, वो बंदे ने यहाँ की लोकेशन बताई है। और सन्नी कहाँ पे है मेरे को ये बता, वो भी तेरे साथ ही गया था ना? ओके तो ड्राइवर बोल रहा है कि यार सनी ना बेलास गैंग के लीडर के पीछे गया है क्योंकि वो वहाँ से भाग गया था और उसे वो पकड़ के ले आएगा। चल ठीक है यार गाइस, मतलब ये लोकेशन एकदम सही उस गैंग के बॉस ने दी है। ड्राइवर भी बता रहा है कि यार जिस गैंग वाले को इसने पकड़ा था वो बता रहा था कि यार यहाँ पे ना साइको किलर के साथ गैंग वाले मीटिंग करने वाले हैं और ये एकदम सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। तो ड्राइवर अपनी गन वगैरह निकाल ले, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, और देख मेरे ऑर्डर का इंतजार करना, जब तक मैं ऑर्डर ना दूँ तेरे को गोली चलानी नहीं है। एक मिनट गाइज, वहां पे सामने कूड़े का ट्रक खड़ा, और एक मिनट कवर में वहां पे गाड़ी आई है, और ये तो गाइज वही ब्लू कलर की कार है ना जिसका लास्ट वाले एपिसोड में मैं पीछा कर रहा था। एक मिनट मेरे को चल के देखना पड़ेगा। ड्राइवर यार थोड़ा कवर में ही आना, कोई गड़बड़ी ना हो जाए। एक सेकेंड थोड़ा सा और आगे जाने दो गाइज। वो देखो ब्लू कलर की कार वो जा रही है। एक मिनट में फटाफट से फोन का कैमरा निकालता हूँ। ये तो साइको किलर है भाई, हम लोग एकदम सही लोकेशन पे आ चुके हैं। मतलब ट्रेवर को उस गैंग वाले ने और हमें उस गैंग के बॉस ने एकदम सही लोकेशन दी है। ट्रेवर थोड़ा कवर में रहे भाई, वो हम लोग को देखना ले, अगर देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ओके एक सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा। अभी ये बंदा इस साइड में आ रहा है क्या? ट्रेवर एक मिनट छुप के रहना भाई तू, ठीक है ना? यहीं पर छुप कर रहे, वो बंदा इसी साइड आ रहा है, उसने हमें देख लिया क्या अभी? नहीं, ट्रेवर इस साइड में आ जल्दी, पीछे कहाँ चला गया? एक मिनट गाइस, मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से मैं गन निकालता हूँ। ड्राइवर एक काम कर, तू फटाफट से जो सीढ़ी है उसे ऊपर जाकर देख अंदर, वो मुझे लग रहा है डोर के अंदर गया है। ये देखो गाइस, वो डोर के अंदर गया है। पहले मैं अंदर जाता हूँ, ड्राइवर को मैंने ऊपर के साइड भेजा है। ड्राइवर एक काम कर, तू ऊपर छत तक चेक कर, मैं अंदर जा रहा हूँ, तू भी कुछ ही देर में अंदर आ जाना।
कुछ गड़बड़ी लगती है, मेरे को तुरंत इन्फॉर्म कर गाइस, मैं शॉटगन निकाल रहा हूँ क्योंकि अंदर गाइस साइको किलर्स हो सकते हैं, गैंग वाले हो सकते हैं। एक मिनट भाई, यहाँ पे तो मीटिंग चल रही है इनकी, बहुत सारे साइको किलर जिन लोगों ने काफी सारे वेपन हाथ में ले रखे हैं, गैंग वाले भी यहाँ पर हैं। एकदम सही लोकेशन हम लोग को मिली है, इन्हें यहीं पे खत्म करना है, इनमें से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। ट्रेवर बाहर, अगर इनमें से एक भी बाहर गया उन्हें संभाल लेगा ट्रेवर, बाकी मैं इन्हें अंदर ही खत्म करने वाला हूँ। एक मिनट भाई, पीछे के साइड भी कुछ बंदे थे, एक मिनट मैंने इन्हें देखा ही नहीं। एक सेकेंड भाई, ये लोग एक दूसरे के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि गैंग वालों ने उन लोगों को बताया। एक मिनट ड्राइवर, एक सेकंड बाहर के साइड आ, बाहर के साइड है, एक मिनट हम लोग बाहर के साइड खड़े हो जाते हैं। बेटा पहले उन्हें लड़ने दो, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अच्छी चीज़ है भाई। गैंग वाले और साइको किलर के बीच में लड़ाई हो चुकी है, उन्हें लग रहा है कि गैंग वालों ने बताया और गैंग वालों को लग रहा है साइको किलर ने प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन दी, इसीलिए एक दूसरे को मार रहे थे। हमारा आधा काम तो हो ही गया। और एक मिनट, एक मिनट ड्राइवर, एक ऊपर साइको किलर है, ऊपर से जल्दी से, ऊपर के साइड एक बंदा छुपा हुआ, उसको जाकर ख़त्म कर, मैं अंदर के साइड जा रहा हूँ। एक सेकंड, निकल यहाँ से, एक यहाँ पर खड़ा है ना बंदा। भाई अंदर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी अंदर नज़र आ रही है। सो भी गाइस, अंदर के साइड जितने भी यहाँ पे साइको किलर्स थे मैंने एक एक करके उनकी तो बैंड बजा दिया। एक मिनट, पीछे के साइड और आ गया क्या? अबे ये गैंग वाला बंदा यहीं पर फंसा पड़ा है, इसको मैंने मारा था, मरने का पहले नाटक किया, ये अभी भी जिंदा है। एक मिनट, बाहर से आवाज़ आ रही है ना, ये बाहर कहाँ से? एक मिनट, अबे यार मुझे लग ही रहा था अंदर गाइस बहुत सारे लोग थे, अचानक से कम हो गए, ये लोग पीछे वाले गेट से निकल गए। निकलो यहाँ से भाई, साइको किलर ना, तुम लोग बहुत ही गलत बंदों से पंगा ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग तुम्हारे साथ क्या कर सकते हो। और वो देखो वहाँ पे ट्रेवर, टेंशन ना ले, ख़त्म करना है भाई ट्रेवर, एक एक को मारना है। ट्रेवर एक काम कर भाई, आरपीजी मिनी गन सब चला दे इनके ऊपर भाई, मैं फुल छूट दे रहा हूँ, किसी को छोड़ना मत। यहाँ देखो गाइस, ट्रेवर ने अभी आरपीजी बजाना स्टार्ट कर दी है, अभी इनमें से कोई नहीं बचने वाला। निकलो यहाँ से। और एक मिनट यार, ये कुछ ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं ना, इन्हें क्या लग रहा है कि ये लोग माइकल का यहाँ पर नाम खराब करेंगे? मुझे नहीं पता इनमें, मुझे नहीं पता लॉस सैंटोस में इन्हें किसने भेजा है, पर इन्हें पकड़ भी तो नहीं सकते यार। इन्हें पकड़ने के चक्कर में भाई हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे, इन्हें मारना ही पड़ेगा। ट्रेवर भाई लगातार इन पर फायर वगैरह कर रहा है, मैं इन्हें संभालता हूँ। बहुत सही, निकल यहाँ से। एक बंदा कहीं ऊपर के साइड है ना, वो देखो ऊपर भाई खड़े हो रखे हैं, ये लोग ऊपर कहाँ से पहुँचे? मेरे को भी ऊपर जाने दो, एक बार ऊपर चल के देखता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे तो कोई नहीं है, एकदम और ऊपर चले क्या? इसीलिए मैंने ड्राइवर को ऊपर भेजा था, कोई ना कोई रास्ता होगा जिससे लोग ऊपर आ गए। भाई मैं एकदम टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ, गैंग वालों के साथ एक मीटिंग चल रही थी, पर अभी गैंग वाले तो इनके वैसे ही दुश्मन बन चुके हैं। ओके, यहाँ पे भी काफ़ी सारी डेड बॉडी पड़ी हुई है, इन्हें तो पक्का ड्राइवर नहीं मारा होगा। गाइज मुझे लगता है कि सारे बंदों को ख़त्म कर दे भाई ड्राइवर, बस कर भाई, कितनी गोलियाँ चलाएगा, मार तो दिया ना तूने। हद है भाई, ड्राइवर का मूड ख़राब हो गया गाइज। ड्राइवर अभी भी मिनी गन पे मिनी गन चला। एक मिनट, ये कौन है? अभी ड्राइवर गाड़ी लेके, गाड़ी लेकर भाग रहे हैं वहाँ से। एक मिनट गाइज, मेरे को देखना पड़ेगा, ड्राइवर गाड़ी लेकर आ जाएगा, मेरे को इसका पैदल पीछा करना पड़ेगा यार। ये कौन बंदा है जो हाथ से निकल गया? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइज, फटाफट से इसको देखना पड़ेगा। भाग कर वो जा रहा है, देखो भाग कर यार। एक तो इस साइड में अपनी गाड़ी भी तो नहीं है, हम लोगों ने पीछे की साइड गाड़ी लगा दी है। ड्राइवर पीछे से आ रहा है, वो देखो ड्राइवर आगे निकल गया भाई। ड्राइवर कहाँ जा रहा है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये बंदा गाड़ी लेकर आ रहा है ना, इसकी गाड़ी में चीनता हूँ। अबे रुक, जल्दी गाड़ी से बाहर निकल। ड्राइवर तू पीछा कर उसका, मैं आ रहा हूँ, पीछे कर दू उसका, रोक मत गाड़ी को भाई, इतना टाइम नहीं। निकलो यहाँ से तुम लोग, प्रॉपर से निकलो, अब तो इसको पकड़ के रहना है। निकल यहाँ से, ड्राइवर से जिंदा पकड़ना है, इसे जाने नहीं देना है यार। एक तो मेरे पास बेकार वाली गाड़ी, एक मिनट इस वाली गाड़ी को यहाँ पे लगाओ, मेरी डॉज वाइपर यहीं पे खड़ी हुई है ना, फटाफट से इसको लेते हैं। ये खड़ी है, गोलियों की गाइस आवाज़ आ रही है, इसका मतलब लोग आसपास ही हैं, ज़्यादा दूर पे नहीं गए हैं। ट्रेवर उसका ऐसे तो पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, मेरे को पता है ट्रेवर उसे पकड़ के ही रहेगा, फटाफट से भगाते हैं। एक मिनट, वो गाइस यहीं कहीं पे गए हैं ना, वो देखो वहाँ लड़ाई चल रही है, मैंने बोला था ना ट्रेवर उसकी गाड़ी में लगातार टक्कर मार रहा है, ट्रेवर उसे ऐसे जाने नहीं देगा। बहुत सही, निकल यहाँ से भाई, तुम लोग देख रहे हो ना पूरी तरीके से इसे मारने वाले हैं, अब कहाँ जाएगा बेटा बच के? एक सेकेंड भाई, ड्राइवर तू स्टिकी बॉम्ब, स्टिकी बॉम्ब मत फोड़ ड्राइवर। अबे यार वो, अबे उससे दूर रहे यार, मुझे नहीं पता कि इस मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है या नहीं है, पर थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। पीछे वो देख लो तबाही मचाता हुआ जा रहा है, पकड़ ड्राइवर इसको, इस बंदे को जिंदा पकड़ना है, इस पर नज़र रखनी पड़ेगी गाइस, इसे भागने नहीं देना है। ओके रुक जा, रुक जा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, देख रहे हो भाई बंदा गाड़ी रोकने को तैयार ही नहीं है, पर आज इसको छोड़ना नहीं है, आज इसे पकड़ के रहना है।
तो अभी हम लोग यार साइको किलर का पीछा करते करते गाइस काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं। तुम लोग देख रहे हो ट्रेवर अभी भी उसका लगातार पीछा कर रहा है, क्योंकि मेरे पास जो गाड़ी है वो ज्यादा तेज नहीं चल रही, पर ट्रेवर की डिफेंडर बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, ऊपर से बुलेट प्रूफ भी है। ट्रेवर को मैंने बोल दिया कि लगातार तो उसकी गाड़ी पे गोलियां चला, मैंने भी काफी डैमेज कर दिया, ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं क्योंकि उसकी गाड़ी ना बुलेट प्रूफ नहीं है भाई, वो बंदा पकड़ा ही जाएगा। वो देखो ट्रेवर कोशिश तो फुल कर रहा है, पर ये बंदा भी बहुत ज्यादा चला गया, इसकी गाड़ी फंस गई। ड्राइवर बहुत सही, उधर बेटा अभी इसके पास स्नाइपर, इसकी तो निकल यहाँ से भाई, भागने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट मैं स्नाइपर निकालता हूँ और उसके सीधे पैर में शूट करता हूँ, कहाँ तक भागेगा, निकल यहाँ से। एक तो गाइस इसके पैर में गोली पड़ी है, ड्राइवर गोली में चला, उसके पैर में मैंने स्नाइपर से शूट किया है, ये रहा यहाँ पर। फाइनली गाइस हम लोग ने एक साइको किलर को तो पकड़ लिया है, ड्राइवर चेक करके मरा तो नहीं है ना। ओके एक काम कर, इसे ड्राइवर फटाफट से उठा, इसको उठा के लेकर आ, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, तो जल्दी से उठा। वो रही ड्राइवर की डिफेंडर, ड्राइवर ना अपनी डिफेंडर में इसको लेकर जाएगा एंड मैं उसके पीछे पीछे जाने वाला हूँ अपनी गाड़ी लेकर। हम लोगों ने एक साइको किलर को फाइनली पकड़ लिया है, अब हमें पता लग जाएगा कि लोग आ कहाँ से रहे। ओके ड्राइवर उसे उठा के जल्दी लेकर आ भाई। वो देखो गाइस इसने हैंड्सअप तो कर लिया, अभी मैं अपनी गाड़ी को लेकर जल्दी से जाता हूँ। गाइस वो देखो ड्राइवर भागता पा रहा है, ड्राइवर एक काम कर फटाफट से उसको डिफेंडर में लेकर आ, जल्दी जल्दी से मेरे पीछे पीछे लेकर आ। इस बंदे से भाई हमें बहुत ज़्यादा पूछताछ करनी है। फाइनली गाइज एक साइको किलर अपने हाथ लग गया है इतनी ज़्यादा मेहनत करने पे। भाई मैंने सोच लिया था इस बंदे को नहीं जाने देना है, इसे तो पकड़ के ही रहना है, फटाफट से लेकर आ। बहुत से गाइज ट्रेवर ने उसे पकड़ लिया है, ट्रेवर बस इसे मार मत दियो यार, मर गया तो दिक्कत हो जाएगी और ना ये भाग पाए, वैसे भागेगा तो नहीं क्योंकि स्नाइपर की गोली से भाई ये बेहोश हो चुका है, कहीं नहीं जाने वाला। इसे सीधे गाइज हम लोग फार्म हाउस पे लेने के जाने वाले हैं। आप लोग को याद होगा लेसर के दोस्त का एक फार्म हाउस है जहाँ पे हम लोगों ने डगन बॉस को रखा था, अभी हम लोग फिलहाल इसे वहीं लेकर जा रहे हैं और इसे वहीं पे पूछताछ करेंगे। ट्रेवर फटाफट से डिफेंडर को भगा और जल्दी जल्दी से मेरे पीछे लेकर आ। तो अभी हम लोग यहाँ साइको किलर को लेकर गए सैंडी शोर्स वाले फार्म की तरफ आ चुके हैं और अभी हम लोग उसे लेस्टर के फार्म पे ले जा रहे हैं। एक तरीके से लेस्टर के दोस्त का फार्म है और ये फार्म ना एकदम सही रहेगा यार, अगर हम लोग अपनी लोकेशन पे कहीं ले जाते तो शायद उन लोग को शक हो जाता। ट्रेवर भी गाइस जस्ट मेरे पीछे ही है, ट्रेवर बोल रहा था कि लॉस सैंटोस लेकर चलते अपने अपार्टमेंट की तरफ, पर मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, हो सकता है इसके कपड़ों में ट्रैकर वगैरह लगा हो, कुछ भी हो सकता है यार, इसीलिए पहले से यहाँ पे रखना होगा, पहले हम लोग अच्छे से चेक कर लेंगे, थोड़ी पूछताछ करेंगे और अगर इसने कुछ बताया नहीं तो मैं ऐसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करने वाला हूँ। अभी तक जैसे इन लोगों ने लॉस सैंटोस की लड़कियों को मारा है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ट्रेवर को फुल छूट दे दूंगा भाई, जो करना है कर इसके साथ, बस मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके तो अभी हम लोग फार्म पे आ चुके हैं, मैं एक काम करता हूँ गाड़ी को अपनी आगे के साइड लगा देता हूँ। यहाँ देखो लेस्टर के जान पहचान के बंदे भी खड़े हैं, ये अपने को कुछ नहीं कहेंगे। ट्रेवर एक काम कर इस साइको किलर को फार्म के अंदर लेकर जा और जाकर इसे वहीं पे उतार, मैं कुछ ही देर में आ रहा हूँ। ये रहे लेस्टर के दोस्त यहाँ पर। यार मैंने तुम लोग को कॉल कर दिया था, एक ज़रूरी काम से आया हूँ और यार इसके बारे में प्लीज़ यार किसी को बताना मत कि हम लोग यहाँ पर आ रखे हैं। बस यार इन लोगों ने लेस्टर को कॉल ना कर दिया हो, एक काम करते हैं फटाफट से अंदर की साइड चलते हैं, चल के देखते हैं। और वो देखो भाई ट्रेवर और उसकी 1v1 फाइट चल रही है, साइको किलर के पैर में मैंने गोली मारी थी बट फिर भी यहाँ देख रहे हो ट्रेवर डंडे से काम नहीं चलेगा, कुल्हाड़ी निकाल भाई इसके, बजा दो तीन भाई गंदी तरीके से ऐसे पीट और इसे पूछताछ कर। वहां देखो भाई डॉच कर रहा है ट्रेवर, मार यार इससे भाई, क्या पिट रहा है तू साइको किलर से भाई, बेइज्जती करवा रहा है मेरी। हाँ बजाए इसको अच्छी तरीके से तोड़ और भाई बताए क्या इन्फॉर्मेशन अपने को देता। और एक मिनट पीछे से कोई तो आया है, गन वगैरह निकालनी पड़ेगी। अबे यार लेस्टर आ गया है, मैंने बोला था ना यार, फार्मर्स ने पक्का लेस्टर को इन्फॉर्म कर दिया होगा, मैंने कॉल किया था बोला था ज़रूरी काम है। अबे लेस्टर भाई अंदर है साइको किलर, मुझे लग रहा है इन्हीं लोगों ने तुझे कॉल किया है ना, बोल रहा है कि हाँ यार इन लोगों का कॉल आया था तो सीधे सारे काम छोड़कर आ गया। वो देख ट्रेवर और उसकी वहाँ पे फाइट चल रही है, ट्रेवर ने भाई इसको सुला भी दिया और ट्रेवर लेस्टर भी डंडा लेकर आया है। लेस्टर इसे उठा, इसे पीट बुरी तरीके से और पूछ ये कहाँ से आया, किसने भेजा है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और इनके बाकी के बंदे का है। भाई ट्रेवर अबे बस कर, मर जाएगा यार, क्या कर रहा है भाई, इसको दोबारा उठा और इसे पूछताछ करो भाई। तो अभी यार एक घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और साइको किलर को इन लोगों ने हर तरीके से टॉर्चर कर लिया, ट्रेवर ने इतना ज्यादा पीटा, लेस्टर ने मारा, गन निकाली, कुल्हाड़ी भाई सबसे मारा, कोई असर नहीं हो रहा था। फिर लेस्टर के दिमाग में अचानक से आइडिया आया और ट्रेवर को बोला कि भाई यहाँ पे तू आग जला ले और अगर ये कुछ भी नहीं बताता है तो इसे उठा के आग में फेंक कर जिंदा जला देंगे। जैसे इसने बंदे ने बात सुनी भाई सीधे एक एक करके अपना मुंह खोल दिया। तो लेस्टर ने इसे पूछा कि यार आखिरकार तुम्हें भेजा किसने है, तो इसने कहा इस बता दिया है कि यार ये काम
पीटर के बेटे ने किया था और लॉस सैंटोस में ये अकेले नहीं आए हैं, ये बहुत सारे और इन लोगों का बस एक ही काम है, वो है माइकल की इमेज खराब करना ताकि धीरे धीरे ये लोग माइकल को खत्म कर पाए। हद है गाइस, हमें लग रहा था ये काम पीटर ने या किसी और दुश्मन ने किया है, पर पीटर का बेटा इतना ज़्यादा तेज निकलेगा ये सोचा नहीं था भाई। वो हम लोगों से डायरेक्टली लड़ने नहीं आ रहा, पर पीट पीछे कितने तगड़े वाले प्लान बना रहा है। अभी गाइस टाइम आ चुका है पूरी टीम को, सब लोग को एक साथ रहने का। अभी सारे लोग अलग अलग हैं, गोल्ड माफिया कहीं और पे है, इंडियन डॉन, इंडियन बॉस, सारे लोग अलग अलग हैं, पर अभी पूरी टीम को एक साथ रह के प्लान बनाना होगा क्योंकि अभी भाई लॉस सैंटोस में काफ़ी सारे दुश्मन आ चुके हैं। डगन बॉस से तो अपने को कुछ टाइम के लिए छुटकारा मिल चुका है, पर पीटर का बेटा और ये साइको किलर ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो गाइस इसका किस्सा तो मैं यहीं पे खत्म करने वाला हूँ, टेंशन मत ले, इसको तो मैं यहीं पे मारूंगा, निकल यहाँ से ट्रेवर, तू टेंशन ना ले, इसको तो यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि ये बंदा हमारे किसी काम का नहीं है। बाकी गाइस मैं आप लोग को एक चीज तो बताना भूल ही गया, हम लोगों ने एक प्रेसिडेंट बिल्डिंग तैयार की है, एक तरीके से ना वो पूरी की पूरी बिल्डिंग प्रेसिडेंट की है, वहां पे सारे के सारे अपने टीम मेंबर्स रहेंगे एंड वो लॉस सैंटोस से एकदम बाहर है। हम लोगों ने सैंडी शोर्स में रेडी करवाई है, काफी टाइम से वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मैं आप लोग को बताना ही भूल गया था, पर अभी एक तरीके से पूरी बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो अभी हम लोग वहां जाने वाले हैं, पूरी की पूरी टीम को कॉल करेंगे, वहां पे बुलाएंगे जितने भी काम के बंदे हैं, कमांडोज है, टीम मेंबर्स है, सारे एक जगह रहेंगे और प्लानिंग वगैरह करेंगे। तो लेसर एक काम कर, तू मेरे साथ चल, ट्रेवर को तो अपन लोग बाद में बुला लेंगे, तो फटाफट से चलते हैं। एंड गाइस उस बिल्डिंग को हम लोगों ने पूरा का पूरा गोल्ड कलर करवा दिया है ताकि अलग से ही पता लगे कि वो प्रेसिडेंट की बिल्डिंग है। फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, बाकी ट्रेवर भी कुछ ही टाइम में वहीं पे आ जाएगा। उस साइको किलर से अपने को जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी गाइस सारी मिल चुकी है, इसका मतलब अभी अपने को पीटर के बेटे का पीछा करना है और उसे पकड़ना है। उसने भाई क्या प्लान बनाया यार, माइकल की इमेज खराब करेगा ताकि माइकल को लॉस सैंटोस से हटा सके और शायद वो खुद प्रेसिडेंट बनने की सोच रहा होगा, क्योंकि पीटर ने भी पहले कुछ ऐसा ही प्लान करा था, पर पीटर हम पे अटैक करता था इसीलिए हम लोगों ने उसे तो ख़त्म कर दिया, पर उसका बेटा उससे भी बहुत ज़्यादा चालाक है, पर उसको ये नहीं पता होगा कि हमें उसके प्लान के बारे में पता लग गया है। गाइस अभी हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सारी टीम को एक जगह लेकर आना होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारी बिल्डिंग रेडी हो चुकी है, अभी सारे लोग एक ही साथ रहेंगे। तो अभी गाइस मैं लेस्टर के साथ यार अभी अपनी उस बिल्डिंग की तरफ पहुंचने वाला हूँ जो बिल्डिंग हम लोगों ने रेडी करवाई और ये एक तरीके से गाइस सीक्रेट बिल्डिंग थी, हम लोगों ने किसी को बताया ही नहीं, जितने भी वर्कर्स वगैरह थे वो भी लॉस सैंटोस के बाहर से बुलवाए थे ताकि किसी को पता ना लगे। और आप लोग सामने देख रहे होगे कि भाई ये बिल्डिंग कहाँ से आ गई, तो गाइस मैं इसी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, एक तरीके से इसे प्रेसिडेंट बिल्डिंग बोल सकते हो, यहाँ पे हमारे अलावा कोई रहेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट और उसकी टीम रहेगी। एंड यहाँ पे बहुत सारे रूम है, एक तरीके से पूरा का पूरा अपार्टमेंट जैसा रेडी करवा दिया है। वहाँ पे तुम लोग देखो गाड़ियाँ वगैरह लगी है, कमांडोज भी यहाँ पर आ चुके हैं और ये जितने भी कमांडोज हैं ना इनके लिए रहने के लिए काफ़ी दिक्कत होती थी, अभी ना यहाँ पर बहुत सारे रूम है, कमांडोज अपने सारे के सारे रह सकते हैं और सिर्फ ये कमांडोज नहीं, चाहे जितने भी कमांडोज, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग में बहुत सारे रूम है। तो मैं आप लोग को फटाफट से अंदर चल के दिखाता हूँ, वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें लॉक ही होंगी अभी। ओके गाइज ये गैराज है, अभी लॉक है, इसको हम लोग ओपन करवा देंगे, फटाफट से अंदर के साइड चलते हैं। यहाँ पे लिफ्ट वगैरह भी बनी हुई है, ऐसे तू लिफ्ट से जा, मैं सीढ़ियों से आराम से जाता हूँ क्योंकि मेरे को फ्लोर वगैरह चेक करने हैं कि आखिरकार कितने फ्लोर है। यहाँ देख रहे हो गाइज बहुत सारे फ्लोर है, बट ये सारे ना अभी लॉक है, इन्हें ओपन करवाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ जितने भी नीचे के रूम है ना वो सारे के सारे हम लोग अपने कमांडोज को दे देंगे एंड ऊपर के दो तीन रूम अपनी टीम के हो जाएंगे एंड जो सबसे ऊपर वाला है उसको अपन लोग ले लेंगे। देखो लिफ्ट हम लोगों ने लगवा रखी है, पर मैं ना इसलिए सीढ़ियों से जा रहा हूँ ताकि मैं देख पाऊँ कि आखिरकार कितने सारे यहाँ पर रूम है। वैसे बाहर से तो आप लोगों ने देखा गाइस ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगे हैं, हैकर रूम बना सकते हैं भाई, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये देखो लेस्टर लिफ्ट से पहले ही आ गया भाई, बहुत सारी सीढ़ियाँ यार, मैं थक गया भाई ऊपर आते आते, कितने रूम है खुद समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग। अबे अबे कितना और ऊपर है। ओके तो गाइज मुझे लगता है हम लोग पहुंच चुके हैं, आ जा लेस्टर बाहर के साइड आ जा। गाइज ये एकदम टॉप फ्लोर, अरे यार सीटी आ गई थी ना। गाइज ये एकदम टॉप फ्लोर है, कमांडो भी आ चुका है, यहाँ देख रहे हो लेस्टर भी आ चुका है, नीचे के साइड भी अपन लोग जा सकते हैं यार, एकदम ऊपर क्यों आ गए, हम लोग नीचे की साइड भी जा सकते हैं। यहाँ देखो यहाँ इस वाले फ्लोर पे देखो हम लोग रहने वाले हैं, अपनी फैमिली अपनी टीम को रख सकते हैं, बहुत सारे रूम है, आराम से देखो सारे लोग रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ चेक करो, देख रहे हो ना भाई एकदम बढ़िया से सारी चीज़ें हम लोग ने रेडी करवाई हैं। बट मेन यार देखो इस बिल्डिंग को बनाना इसलिए सही था, ये पूरी की पूरी ना एक तरीके से प्रेसिडेंट बिल्डिंग हो जाएगी, यहाँ पे हमारे अलावा कोई रहेगा नहीं, लॉस सैंटोस के बाहर रहेंगे ज़्यादा सेफ रहेंगे और पूरे के पूरे सैंडी शोर्स पे नज़र रख सकते हैं। यहाँ से अपने को थोड़ा बहुत दुबई किंग का मेंशन भी नज़र आ जाएगा,
और ये बिल्डिंग काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है भाई, क्योंकि पूरा का पूरा देख रहे हो गोल्ड जैसा हम लोग ने कलर करवा रखा है, जैमर्स वगैरह लगवा रखे हैं, ए डिफेंस वगैरह लगवाने हैं, अभी बिल्डिंग में बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि यार आप लोग अपनी ये बिल्डिंग कैसी लगी। वैसे इसे बनवाने में बहुत खर्चा आ गया, एकदम सीक्रेट बिल्डिंग है और ट्रेवर के एयरफील्ड के बगल में ही है, तो हम लोग अपने चॉपर हेलीकॉप्टर प्लेन वगैरह सारे यहाँ पर खड़े कर सकते हैं। पार्किंग भी देखो काफी ज्यादा है, तो पार्किंग की भी अपने को टेंशन अब बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो अभी मैं यार अपनी प्रेसिडेंट वाली बिल्डिंग में खड़े हो गया, लेस्टर से बातचीत ही कर रहा था, और गाइज इतनी देर में मेरे पास सन्नी का कॉल आ गया। वो बता रहा है कि यार वो गैंग लीडर का पीछा कर रहा था, एंड पीछा करते करते लीडर तो नहीं मिला है पर उसे एक बहुत ही तगड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो माइकल एक काम करे, फटाफट से उसके पास आ जाए। सो अभी यार मेरे को जाना पड़ेगा। लेस्टर एक काम कर, तू सारे के सारे टीम मेंबर्स को भाई एक मैसेज भेज, सबको यहाँ पर बुला, जितनी भी काम की चीजें हैं, जितने कमांडोज हैं, सारे मुझे इस बिल्डिंग में चाहिए, क्योंकि ये बिल्डिंग ऑफिशियली अभी प्रेस की हो चुकी है। बाकी मैं यहां से निकलता हूं और कमांडोस तुम लोग लेसर के साथ ही रहना। वैसे गाइस सब लोगों को पता ही, और एक मिनट भाई यहां पे जनरेटर वगैरह लगा है यार इस वाले रूम में, मैं कहां जा रहा हूं, मुझे लगा लिफ्ट होगी, लिफ्ट ना नीचे के साइड है। तो मैं एक काम करूंगा ना, फटाफट से गाइस लिफ्ट लेते हैं और अभी ना लिफ्ट से नीचे चलते हैं, क्योंकि सीढ़ियों से जाने में भाई टाइम लग जाएगा, जल्दी से लिफ्ट लेते हैं। तो अभी यार मैं लिफ्ट लेके डायरेक्टली नीचे के साइड आ चुका हूँ और भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता अगर मैं सीढ़ियों से आता तो। और मैंने अपनी गाड़ी इस साइड में पार्क की थी, तो फटाफट से इस गाड़ी को उठाते हैं एंड जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। मुझे नहीं पता यार सन्नी को बताना क्या है, बाकी मैं एक काम करता हूँ ना, पीछे के साइड भी एक बार देख लिया जाए। भाई काफ़ी ज़्यादा जगह यार पीछे की साइड भी, यहाँ देखो गैराज वगैरह भी ओपन है, मतलब पीछे के साइड में हम लोग गाड़ियाँ वगैरह लगवा सकते हैं। भाई बहुत स्पेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी। ये एक तरीके से ना पूरी अपनी सीक्रेट प्रेसिडेंट की बिल्डिंग हो चुकी है। भाई गेट तो खोलो भाई, एंड ये वाला गेट ऑटोमेटिक है। देखो काफ़ी सारे अभी यहाँ पे काम करने हैं, सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ लग चुका है, पर ए डिफेंस नहीं है, तो ए डिफेंस वगैरह लगाने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, वो सब यार लेसर संभाल लेगा। बिल्डिंग को बनवाने में बहुत खर्चा है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं यार, अपने पास बहुत ज़्यादा पैसा है, गोल्ड डायमंड सब कुछ है, तो पैसे की तो यार देखो टेंशन ही नहीं है। फटाफट से गाड़ी को भगाते हैं, जल्दी से चलते हैं गाइस सनी के पास। तो अभी मैं यार अपनी गाड़ी को भगाते भगाते गाइस सनी की लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ। भाई उसने पहले लोकेशन मेरे को सिटी में किसी गैंग एरिया की दी थी, मैं वहां जा रहा था, फिर अचानक से उसने कॉल किया और यहाँ पे बुलाया है। मुझे नहीं पता वो यहाँ कर क्या रहा है, पर उसने बोला बहुत ही जरूरी काम है, मैं बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से यहाँ पहुंच जाऊँ। और ये रहा देखो सामने, भाई अपनी नई वाली गाड़ी लेकर आ रखा है, जो इसने कुछ टाइम पहले खरीदी थी, वो रहा सामने खड़ा है। फटाफट से बात करता हूँ, अबे क्या हो गया अचानक से, तूने मेरे को यहाँ क्यों बुलाया, सब ठीक है ना? अरे सब ठीक नहीं है, तुम्हें याद होगा मैंने गैंग के लीडर का पीछा कर रहा था काफी देर से। हाँ मैंने ही तो ड्राइवर और तुझे भेजा था, क्या हुआ उसका, मार दिया तूने? नहीं नहीं मारा नहीं है, मैं उसको ना पीछा कर रहा था और मैंने ना उसे रस्ते में पकड़ लिया था। ठीक है तो वो है कहाँ पे? वो उससे मैंने ना पकड़ के उससे पूछताछ करी ना, तब उसने ना मेरे को एक डील करने के लिए बोला। डील करने के लिए? कैसी डील भाई, वो लोग पीटर के साथ काम कर रहे हैं। अरे मुझे पता है, उसने पता है मेरे से ये बोला कि अगर मैं उसको जाने देता हूँ तो वो मुझे ट्रेसी की लोकेशन दे देगा कि कहाँ पर है वो। अबे ट्रेसी की लोकेशन कहाँ पे है ट्रेसी, पता क्या तूने? हाँ वो जो गैंग का लीडर था ना, वो मेरे को पहले कार तक यहाँ तक लेकर आया और फिर यहाँ से ना मैंने उसको जाने दिया। वो मेरे को बता रहा है कि ट्रेसी इसके अंदर ही है जो मेंशन है ये, और मैंने खुद ट्रेसी को आंखों से देखा यहाँ पे। पक्का है ना यहाँ पे ट्रेसी? हाँ मैंने खुद देखा है ट्रेसी को यहाँ पे। गाइज ये चीज तो बहुत ज्यादा तगड़ी इसने पता करी है। गैंग लीडर का क्या है, गैंग वालों को तो कभी भी पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ट्रेसी यहाँ क्या कर रही है और भाई गैंग वाले यहाँ पर हैं, ये गाइज कुछ अलग चीज है। और एक बात और। हाँ हाँ बता बता। और वो ना वो जो गैंग का लीडर है वो मेरे को कह रहा था ना कि लॉस सैंटोस में जितनी भी गैंग है ना, आधी से ज्यादा गैंग ना पीटर के साथ ही काम कर रही है अभी हाल फिलहाल में। अबे भाई तभी इतने ज्यादा पंगे चल रहे हैं गाइस। देखो लॉस सैंटोस की सारी गैंग को हम लोगों ने डरा के रखा हुआ था कि अगर वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे तो सबको खत्म कर देंगे। आप लोगों को याद होगा काफी टाइम पहले मैंने सैंडी शोर्स में एक मीटिंग भी रखी थी जहां पे सारी गैंग वालों ने हाँ कर दी थी कि वो हमारे साथ काम करेंगे, पर अभी पीटर दोबारा से आ गया भाई, उसने पैसों का पक्का लालच दिया होगा एंड अभी सारी गैंग उसके साथ काम कर रही है। कोई नहीं, लोगों से तो हम लोग बाद में निपट लेंगे, पहले मुझे बस ट्रेसी को बचाना है। एक काम कर, तू सामने के साइड से जा, देख मेरे को अगर ये लोग देखेंगे सीधे गोलियां चलाएंगे, तू सामने के साइड से जा, मैं इधर से जा रहा हूँ, कोई भी गड़बड़ी रहती है तू मारना स्टार्ट कर देना। ट्रेसी को बिना लिए तो गाइज यहाँ से जाने वाले नहीं है, और इसीलिए शायद इसने मेरे को यहाँ पर बुलाया क्योंकि ट्रेसी यहाँ पर थी। सही रहा यार अकेले इसने हीरो बनने की कोशिश नहीं की, नहीं तो बहुत गड़बड़ी हो जाती। गाइज मैं आराम आराम से इनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका हूँ, जैसी कोई गड़बड़ी दिखेगी, और गाइज गड़बड़ी हो चुकी है, निकलो यहाँ से भाई। अभी ना मैं आरपीजी से नीचे तो मैं आऊँगा ही नहीं, क्योंकि ट्रेसी यहाँ पर है, उसकी जान तो बचानी है। और एक मिनट, एक गाड़ी तो मैंने उड़ा दी भाई, तुम लोग यहाँ पे ट्रेसी को पकड़ के रखे हुए हो,
और यहाँ हम लोग पूरे लॉस सैंटोस में उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके हैं। हद है यार। एक मिनट भाई, हम लोग अंदर के साइड आ चुके हैं। सनी चारों तरफ जितने बंदे हैं सबको मार, एक बंदा भी नहीं बचना चाहिए। ओके गाइज, ये बंदे पहले भी हम लोग से मार खा चुके हैं बहुत बार। तुम लोग सुधरने वाले बिल्कुल भी नहीं हो ना। एक मिनट, तुम लोग को तो मैं भी सबक सिखाता हूँ। सबसे ज़्यादा तगड़ा शॉट भाई ने शॉटगन से ही पड़ने वाला है। निकलो यहाँ से। एक एक बंदा एक एक गोली में ख़त्म है। दोबारा उठने का नाम नहीं लोगे तुम लोग। यहाँ तुम लोग देख रहे हो आर्मर वगैरह सब डाल रखा है भाई इन लोगों ने बढ़िया तरीके से। एक मिनट यार, अभी मेरे को शॉटगन हटानी पड़ेगी। पीछे से एक बंदा मेरे को मार रहा है, तेरी तो अभी बताता हूँ। कवर ले रहे ना गाड़ी का। पीछे और भी बंदे हैं क्या गाड़ी के कवर से? एक मिनट, कहाँ से? वो देखो वहाँ छुप कर मार रहा है। बेटे छुप कर तो तू कभी मार ही नहीं पाएगा। मेंशन का गेट लॉक है तो मेंशन के अंदर तो ट्रेस ही हो नहीं सकती है। हमें चारों तरफ देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा फार्म है गाइस ये पूरा का पूरा। तो मैं काम करता हूँ, मैन बंदों से निपटता हूँ। सन्नी कहाँ पे है? एक मिनट, पीछे से और भी आ रहे हैं। एक मिनट भाई, पीछे से देख रहे हो तुम लोग? निकल पहले तो, इसको टपकाता हूँ मैं। अभी सन्नी कहाँ है भाई? वो रहा पीछे, मैं उसको बोलता हूँ। सनी एक काम कर, मैं इन बंदों से निपट रहा हूँ, तू पीछे के साइड जा। ट्रेसी को जहाँ तूने देखा था ना, देखो सेफ तो है। ठीक है वहीं जाता हूँ, पीछे और बंदे। ठीक है कोई नहीं, मैं सबसे निपट लूंगा। मैंने भाई फाइनली गाइस अभी तबाही की मशीन यहाँ पर निकाल ली है। आ जाओ बेटा आ जाओ, एक एक करके नहीं, अब तुम सारे झुंड में रहो। मैं तुम लोग को अभी सबक सिखाता हूँ। मैंने गाइस यहाँ पे मिनी गन निकाल ली है, और तुम लोग को पता है जब माइकल के हाथ में मिनी गन आ जाती है तो माइकल किसी को नहीं देखता कि भाई आगे पीछे कौन है, सबको मारना स्टार्ट कर देता है। यहाँ देख लो गोलियों की जितनी भी आवाज़ें आ रही थी सबको मैंने शांत कर दिया। और ये कहाँ भाग कर आ रहा है भाई? भूम कर रख दूंगा मिनी गन में, तुम लोग गोलियाँ चेक करो। एक मिनट, यहाँ से कोई तो गोली चला रहा है भाई, मैं अब देख नहीं रहा हूँ। जहाँ से गोली चल रही है ना बस गोलियाँ चला रहा हूँ मैं। ये देखो मरने के लिए आ रहे हैं भाई। वो देखो पीछे से भी एक बंदा भाग भाग कर आ रहा है। नीचे तुम लोग गोलियाँ देख रहे हो भाई, इतनी ज़्यादा यहाँ पर मैंने इन लोगों को गोलियाँ मार दी। और एक मिनट, कहाँ कहाँ छुपे हुए भाई? दा मैं तो बाहर आऊँ ना। वो देखो गाइस वहाँ पीछे के साइड से एक बंदा और आ रहा है, इसको भी ख़त्म किया। अभी फटाफट से मैं पीछे की साइड चलता हूँ। देखो ये लोग छुप कर मार रहे हैं, पहले इन्हें बाहर निकलने दो फिर इन्हें सबक सिखाते हैं। और एक मिनट, ये देखो मैंने बोला था ना ये लोग कहीं ना कहीं छुपे बैठे हैं भाई, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। देखो देख रहे हो ना तुम लोग, लाशों के ढेर लगा रखे हैं। क्या हुआ सनी, ट्रेसी तो ठीक है ना? हाँ ट्रेसी ठीक है, पीछे की साइड है वो। कहाँ पे है भाई वो? आओ इधर पीछे की साइड है, बाना उसमें कहीं पे। अबे ये सब जिन लोगों को तूने मारा है? हाँ हाँ इधर ये लोग छुप के बैठे हुए थे। कहाँ पे है भाई? मुझे ऐसा लग रहा है गाइस ये लोग ट्रेसी को, ये ही रही। हेलो ट्रेसी तू ठीक है ना भाई? ट्रेसी भाई शॉक हो चुकी है माइकल को देखकर, बोल रहे हैं कि उसे लगा नहीं था कि उसे कोई बचाने आ पाएगा। ट्रेसी बाकी बातें बाद में करेंगे, फटाफट से निकलते हैं। सनी मैं एक काम करो, इसको लेकर जा रहा हूँ, तू यहाँ पर सब संभाल लेना, जितने भी बंदे हैं ना सबको खत्म कर, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। गाइस फटाफट से निकलते हैं। फाइनली यार हमें ट्रेसी भी मिल चुकी है, मतलब माइकल की पूरी फैमिली सेफ है। मैं से बाद में पता करूंगा किसे किसने पकड़ा था, पहले यहाँ से निकलते हैं। ट्रेसी तू मेरे पीछे पीछे आ, जल्दी से निकलना पड़ेगा क्योंकि पीछे की साइड अभी भी कुछ बंदे हैं। एंड मैं अभी उन लोगों से लड़के यार अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे ट्रेसी को यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। जल्दी से अपनी गाड़ी उठाते हैं और मैं ना सीधे से अमांडा के पास लेकर जाने वाला हूँ। भाई अमांडा इसे देखकर बहुत खुश होने वाली है। वो रे ट्रेसी अभी वहाँ क्या कर रही है? एक काम कर ट्रेसी, फटाफट से आके गाड़ी में बैठ। तो ट्रेसी जल्दी से आकर फटाफट से बैठ जा, बहुत से गई। जल्दी से ट्रेसी को बैठाते हैं और यहाँ से अभी घर की तरफ चलते हैं। सनी पीछे बंदों को संभाल रहा है, वो सबको मार के यहाँ से निकल जाएगा। भाई उसने बहुत बढ़िया काम किया है सही में यार, उसने ट्रेसी को ढूंढ लिया। हम लोग तो ट्रेसी को ढूंढने के चक्कर में सारे के सारे हैकर्स को लगा रखा था। देखो मुझे इतना तो पता था कि उसे किसी ने तो पकड़ के रखा है, पर ये नहीं पता था कि ट्रेसी गैंग वाले एरिया में है यार। तभी हम लोग को नहीं मिली क्योंकि हम लोग गैंग के पास तो तलाश ही नहीं रहे थे भाई। अच्छा रहा मैंने यार ट्रेवर और सनी को गैंग वाले एरिया में भेजा था, उससे यार चलो कम से कम ट्रेसी तो अपने को मिल चुकी है। फटाफट से गाड़ी को भगाते हैं और जल्दी से गई से अपने एक्लिप्स टावर वाले अपार्टमेंट में लेकर चलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तो अभी मैं यार अपनी कार को भगाते भगाते गई एक्लिप्स टावर वाले अपार्टमेंट में पहुँचने वाला हूँ। और गई रास्ते में आते आते मैंने ट्रेसी से बात की थी, तो जो अमांडा ने हम लोग को बोला था बिल्कुल वही हुआ था भाई। ट्रेसी को किसी ने किडनैप नहीं किया था बल्कि साइको किलर्स पकड़ के ले गए थे। तो ट्रेसी बोल रही है कि यार वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह कर रही थी, बीच के साइड अचानक से कुछ मास्क वाले लोग आए, वैन के अंदर ट्रेसी को पकड़ा और वो पकड़ के ले गए। फिर काफ़ी दिनों तक ट्रेसी लॉस सैंटोस के बाहर थी, अचानक से कुछ ही दिन पहले उसे लॉस सैंटोस लाया गया था और अभी कहीं और लेकर जा रहे थे। हद है भाई, वो तो अच्छा है इसकी किस्मत अच्छी है और मैं और सनी टाइम से वहाँ पहुँच गए।
नहीं तो आज ये पता नहीं कहाँ पहुंच जाती और शायद हमें दोबारा नहीं मिल पाती। बाकी गाइस देखो, पीटर के बेटे ने साइको किलर्स को भेजा है, इसीलिए ट्रेसी को अभी तक कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये ट्रेसी को आगे यूज कर सकते थे भाई माइकल को ब्लैकमेल करने के लिए, इसीलिए इसे मारा नहीं। ट्रेसी फटाफट से लिफ्ट ले और जल्दी से ऊपर चल। तो अभी मैं ट्रेसी को यार अंदर के साइड लेकर आ चुका हूँ। ट्रेसी जा जल्दी से, अमांडा अंदर के साइड ही है, और जल्दी से जाकर उससे मिल। वैसे अमांडा को पता लग गया होगा, और वो देखो गाइस अमांडा तो खुशी में यहाँ पे जंप कर रही है भाई, फुल एक्साइटेड हो चुकी है क्योंकि इतने टाइम के बाद ये ट्रेसी को देख रही है। ट्रेसी भी फुल खुश हो गई क्योंकि अभी लग रहा था हमें कि ट्रेसी को शायद यार साइको किलर्स ने मार दिया होगा, पर ये जिंदा है, सही सलामत है। काफ़ी डरी हुई है, बोल रही थी ठीक से खाना वगैरह भी नहीं मिला है, पर कोई दिक्कत नहीं यार, फाइनली ये वापस आ चुकी है। अब तुम लोग सोच नहीं सकते यार, अब माइकल पीटर और उसके बेटे का क्या करेगा। माइकल ना देखो अभी इसीलिए शांत था, प्रेसिडेंट वाली पावर भी नहीं दिखा रहा था क्योंकि माइकल की फैमिली गायब थी। बट अभी फाइनली गाइज माइकल की फैमिली आ चुकी है। अब तुम लोग सोच नहीं सकते कि मैं उन लोगों के साथ क्या करने वाला हूँ। अब तुम्हें प्रेसिडेंट की पावर दिखेगी, और माइकल जो खतरनाक वाला था ना पहले वाला, वो भी तुम लोग को नजर आएगा भाई। अब ना माइकल से कोई नहीं बचने वाला। तो अभी मैंने लेस्टर को कॉल कर दिया, और गाइस लेस्टर को मैंने बता दिया है कि भाई ट्रेसी अपने को मिल चुकी है। लेस्टर भी बहुत ज़्यादा खुश है, लेस्टर अपने सारे काम छोड़कर यहाँ पे आ रहा है। वैसे लेस्टर अभी सैंडी शॉर्ट्स में अपनी प्रेसिडेंट वाली बिल्डिंग में ही था, तो मैंने उसको बोला भाई तू एक काम कर, अपना काम कर ले, बट वो यहाँ पे आ रहा है ट्रेसी से मिलने, अमांडा से मिलने, और जिमी को तो मैंने इंडिया भेज ही दिया है। अभी मेरी फैमिली एकदम सेफ है गाइस, इनके लिए ना कुछ करना पड़ेगा, या तो हाईटेक बंकर पे इनका इंतजाम करना होगा, या फिर ऐसी जगह रखना होगा ताकि ये लोग एकदम सेफ रहे, क्योंकि जितने भी माइकल के दुश्मन है वो माइकल को मारने से पहले उसकी फैमिली को पकड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है माइकल की बस एक ही कमजोरी है, वो है माइकल की फैमिली। टीम तो बाद में आती है, पर टीम को भी माइकल कुछ होने नहीं देगा। वैसे टीम ना अपनी बहुत तगड़ी है भाई, कोई हाथ लगाएगा ना तो टीम वाले उसकी बैंड ही बजा देंगे। बाकी कुछ ही देर में यार लेस्टर और शायद अपने टीम मेंबर्स भी आ जाएं, बाकी अपनी फैमिली से मिलने हैं। बाकी चलो ठीक है गाइस, इस वाले वीडियो को मैं लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया, अगर मज़ा आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, कॉमेंट करके यार जरूर बताना आप लोग को वीडियो कैसा लगा। बाकी लाइक भाई कॉमेंट वगैरह यार करते रहा करो यार। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।